हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है साक्षी, मैं जैन का नाम है हर रेनबो लाइफ और आज हम कर रहे हैं ब्लॉग। और ये है वैभव बिश्नोई। तुम कौन हो? आज वैभव, मैंने बोला कि आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है तो आज हमें ब्लॉग करना चाहिए, और तो मैंने कहा चलो अब मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ क्योंकि पहले गेस्ट आए थे तो हमने करा नहीं। तो वैभव बोलते हैं मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं जानता, मेरे को मत दिखाना मैं ब्लॉग। मैंने कहा मैं अभी स्टार्ट करूँ अभी, और अभी तुमको दिखाती हूँ। तो ये है वैभव बिश्नोई, देख लो सब। तुम इतनी नौटंकी क्या दिखा रहे हो? हर हफ्ते हम पता है कहाँ जाते हैं? नर्सरी। मैंने कहा अभी इस बार छोड़ देते हैं, अगले हफ्ते चल जाएंगे। बिल्कुल पापा बनने का ना बहुत शौक है। तो आज है बहुत ही इंपॉर्टेंट डे। इंपॉर्टेंट क्या है? अभी तुम लोग पॉज करो वीडियो और नीचे कमेंट करो कि क्या हो सकता है आज के दिन, क्या स्पेशल हो सकता है। कर लिया कमेंट? ओके। तो आज है कूपर भाई का बर्थडे। उसको पता ही नहीं है क्या चल रहा है उसके साथ। तो आज है कूपर का बर्थडे। थोड़े से प्लान्स हमने करे हैं। केक तो हमें नहीं मिल पाया, तो मैंने सोचा मैं खुद बेक करके करूंगी डॉग वाला केक। इजी रेसिपी है, इतना टफ नहीं है। टीवी अभी तो चला था, चल गया, तो इतना टफ नहीं है। तो मैंने सोचा है कि मैं कूपर का, ये देखो आ गया, आजकल कूपर ने नया सीखा है अपना गेम। ये मुझे इतना गंदा, ए बॉल लेके मत जा, गिरा देता है बॉल तू। ये यहाँ से बॉल गिराता है, सीधे नीचे जाती है, उधर नीचे किसी के कार में टकराती है। मैं मारूंगी बॉल, यहाँ नहीं खेलनी, बंद करो तेरी बालकनी। तो कूपर को बर्थडे में आप पहला वाला ब्लॉग देख चुके हो कि हमने क्या गिफ्ट दिया है। तो कूपर को मिली है ये उसकी स्पेशल बालकनी गिफ्ट, क्योंकि वो बहुत मिस करता था बार बार देखना। बाहर वाली बालकनी तो बंद है, इसलिए हमने स्पेशली वो बालकनी बनाई है। हैप्पी बर्थडे बॉय। शुरू हो गया हमारे, ये हमने देखी है मूवी 3 बार, फिर भी यही मूवी चला के बैठाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं केक बनाने कूपर के लिए, आ गया पीछे पीछे। तो हम बनाएंगे आज कूपर के लिए केक। बहुत अच्छी हवा आ रही है क्योंकि हमने ये वाला गेट लगा लिया, तो अच्छा वेंटिलेशन हो जाता है। उधर से हवा आती है और इधर से हवा आती है, तो बहुत सही वेंटिलेशन हो रहा है आजकल। ये बहुत सही कूल चीज़ हो गई है। तो अब हमें बनाना है कूपर का केक। मैंने थोड़ा वीडियोस देखी है, मुझे तो नहीं आता था, बट यूट्यूब में आपको पता है सब कुछ मिल सकता है। तो मुझे मिला है एक वीडियो जिसमें दिखाया है कि केक कैसे बनते हैं डॉग्स का, तो मुझे लगा कि मैं उसी से ही प्रिपेयर कर लेती हूँ। बस पीनट बटर नहीं था घर में, तो सुबह सुबह वैभव को, क्योंकि कर्नाटका में सैटरडे संडे लॉकडाउन रहता है, तो सुबह सुबह वैभव को भेजा। तो लेट्स स्टार्ट कूपर का केक। उससे पहले अभी ना कूपर बहुत मक्सेबाज हो गया, उसको कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट, सुन रहा है, सब कुछ सुन रहा है मेरे बारे में कूपर क्या कह रही है। तो उसको कुछ सप्लीमेंट चाहिए होता है अपने खाने के लिए। नॉर्मल पेडिग्री नहीं खाता है। जो हमारे घर में जब डॉग होते थे ना, मतलब जब मैं अपने घर में थी, हम छोटे थे, हमारे पास तो नहीं था। हमारे मम्मी पापा कहते थे तुम कुत्ते बिल्ली कम हो क्या जो हम और पाले। ऑनेस्टली मेरी मम्मी यही बोलती थी, अभी देखेंगी तो हंसेंगी, बट सच में मेरी मम्मी, क्योंकि आई लव पेट्स। वैभव को अब प्यार आने लगा है क्योंकि उससे पहले उन्होंने कभी नहीं पाले थे। तो हम जब भी बोलते थे ना मम्मी से, मैं स्पेशली, कि मम्मी एक डॉग ही पालने, तो मेरी मम्मी कहती थी एक कुत्ता भी ले, तुम दोनों भाई बहन कम कि हम एक और पाले। बहुत टाइट था, मेरी उंगली में भी लग गया। तो क्या मैं मीडियम गैस में बोला है आधा घंटा पकाने के लिए, तो मीडियम गैस कर दिए मैंने और आधा घंटा पका है, जस्ट फॉर यू, ओनली फॉर यू। खा लेना, इसे रिजेक्ट नहीं करना। ओके कम, देखती हूँ, ये थोड़ा सा बेटर लगा हुआ है, देखती हूँ इसे टेस्ट आता है नहीं आता। कच्चा ही से टेस्ट आ गया तो मतलब ये पक्का भी खा ही लेगा। बेइज्जती मार के चला गया कूपर, तू मेरी गजब बेइज्जती है। ए बेस्ती, मेरी बेस्ती, ले
ले ले ले गंदा ओले सीट हो जाता है, कुछ भी खाने पे हो जाए तो सीट हो जाता है। गुपी ओले मोया गुनु मोनु गुनु पलट जाता है देखना, कुली बोलो गुनु 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 बहुत हो रहा है ये। मैंने उसे बोला अगर नूडल्स ऑर्डर करोगे तो मैंगो शेक बनाऊंगी, मैंगो शेक बना दिया। मैं आपको कहने लगा केक कितना प्यारा लग रहा है, लिटरली बहुत प्यारा लग रहा है, जस्ट लुक सो ब्यूटीफुल। ये ना ऊपर के बिस्किट्स थे जो मुझे याद आया कि हमारे घर पे पड़े हैं, थोड़े से लास्ट ये ही बचे थे। भगवान ने मुझे काफ़ी शार्प दिमाग दे दिया। आ जाओ, इसको खुशबू आ रही है, सब हो रहा है कि कब खिलाए मुझे। बेटे ये गिलास मैंगो शेक का नहीं है, ये 450 रुपए का गिलास है। तो मेरा नूडल्स खाने का मन था, मैंने बता दिया सबको कि मेरा नूडल्स खाने का मन था, तो वैभव ने को मैंने मैंगो शेक पिलाया, उन्होंने मुझे नूडल्स खिलाई। कितना बना के रख दिया? बस एक ही है, एक मेरा है बस। तो सारा बना के रखे, मैं कल भी पीता रहूंगा। दूध भी तो उतना होना चाहिए। आम तो मैं ले आया था 8 किलो। आम ले आए ना, आम लाने से क्या होता है। इसका आज हैप्पी बर्थडे। ये रहा कूपर का ऑसम केक, मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। इस सही बना हुआ है, बिल्कुल सही। कूपर का केक तैयार है। मौसम और बढ़िया होता जा रहा है, मैं सोच रही हूँ कूपर को ऊपर भी घुमा लेते हैं क्योंकि वो उसकी वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है, और आपको भी एक अच्छा सा मौसम दिखा देंगे कैसा मौसम हो रहा है। अभी तो बहुत सही मौसम हो गया, देखो बहुत बहुत सुंदर मौसम हो गया। तो मैं वैभव से, वैभव मूवी देख रहे हैं दिल खम्बे जैसी खड़ी है वो वाली, और मेरा काम भी हो गया, ऊपर का केक बन गया। सो आई वाज थिंकिंग मैं उनसे बोलती हूँ कि अगर वो ऊपर घूमना जाना चाहते हैं तो हम इस बच्चे को जो हमेशा किचन के आगे खड़ा रहता है उसको घुमा के लेके आएंगे, घुमा के। कॉफी रेडी हो गई है, वैभव को बुलाते हैं। वैभव चलो, हाँ कुबर चल, बजे बजे कुबर रेडी हो गया, मेरा मास्क चलो। जाओ हम दूसरे में आ जाए, रुक जा आ रहे पापा आ रहे हैं, चल चल। सच्चे मन से तुम पैसे लॉटरी नहीं मांग रहे हो यार, मौसम चीनी डाल के दूध डाल के चाय बना दे उसे। कोई आ गया क्या? तुम्हारा लड़का ऐसे देखने लग गया उधर, दौड़ा 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 उधर से। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, आराम से लग जाएगी चोट। अरे 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 पकड़ लिया। एक मोटी एक हाथी के पीछे कुत्ता भाग रहा है, आगे हाथी पीछे कुत्ता, आगे हाथी कुत्ता, और फाइनली कुत्ते ने हाथी को पकड़ लिया। वहाँ दूर कहीं तंबू लगा है, बहुत दूर, मतलब वो तंबू भी बहुत मुश्किल से दिख रहा है, और इनको लोग भी दिख जा रहे हैं कि वहाँ 7-8 लोग खड़े हैं। सात लोग भाई, तंबू भी ढंग से नहीं दिख रहा, तुम्हें 7-8 लोग दिख जा रहे हैं, बताओ ना कहाँ पर है वो 7-8 लोग। अरे तो नीचे साफ दिख तो रहे हैं, चलते हुए दिख नहीं रहे। नहीं, बहुत सारे खड़े हैं, बहुत। म्यूजिक
है जब डिस्गस्टिंग बॉय कम हियर, डिस्गस्टिंग बॉय कम हियर, बाय, चलो साला ये देखो उल्टा आता है जान पूछ के, बिल्कुल सही सेटिंग है। सांप को पाल रहा था। आप बता मेरे पास। Two hours later. गाइज मुझे ये भी मिल गया, कैंडल भी मिल गई, इतनी देर से नहीं मिल रहा था लेकिन अभी मिल गया। कितना क्यूट लग रहा है। उसको पता ही नहीं बुद्धू को से लग रहा है, बस कुछ दे दो खाने के लिए। और एक मिल गई मुझे कैंडल भी। अभी करेंगे, अभी कुप्पू का फ्रेंड भी तो आ रहा है। तो ये आयन आएगा तो मैं रोना रिकॉर्ड। अब स्माइल क्यों कर रहे हो कैमरे को देख के? अरो पता है उसको। अरो अरो कहां मारी थी दोस्त ने? दिखाना कहां मारी थी आयन? कुप्पू ने कहां मारी थी? तो कैसे रो रहे थे दिखाओ जरा, एक बार रो के तो दिखाओ। पता नहीं। एक पग पैर एक पैर पकड़ के रो रहे थे ना आप? एक बार दिखा दिया था। हां छोड़ दिया भी था। क्यों छोड़ दिया? कुपर तो तेरा फ्रेंड है ना। दुख रहा था। छोड़ तो इतना क्यों रोया? कितना दुख रहा था? कितना दुख रहा था दिखाना हाथ से। कितना दुख रहा था? रोए तो इतना सारा। कुपर दोस्त को, दोस्त बर्थडे मनाने आया, तुमने दोस्त को मार दिया। अब कुपर का बर्थडे काटेंगे। कुपर को पता नहीं है करना क्या, लेकिन